हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों और व्यस्त होंगे। आज आपका जो वीडियो है वो आपकी आंखें खोलने वाला वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि यार हम लोग इतने त्रस्त आ चुके हैं कि व्यू नहीं आ रहा है। आप भी सोचते हैं आपके भी चैनल पर व्यू नहीं आ रहा है। बड़ी परेशानी का हमको सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपको ये बात नहीं बताएगा जो छोटा यूट्यूबर बताता है, जो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ। साथियों, आप में से कितने लोग हैं जो YouTube पर मेहनत करते करते थक गए हैं? लगभग 80% लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता। लगभग 80% लोग YouTube पे इसी इंतजार में गुजार देते हैं, मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा। और उनका फर्स्ट पेमेंट आते ही आते उनकी आंखें तरस जाती हैं। साथियों, मैं कई लोगों को ऐसा देखता हूँ तो गाइज मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किसी का पेमेंट नहीं आ पा रहा, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, यूट्यूब पे टाइम पास कोई भी नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं जो कभी कभार वीडियो डाल रहे हैं टाइम पास के लिए, लेकिन यूट्यूब पे जो लगभग 80% लोग हैं वो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में यूट्यूब पे ग्रो होना चाहते हैं। लेकिन उनको क्या है, बड़े बड़े यूट्यूबरों की बातों में आके वो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करा पाते, क्योंकि बड़े यूट्यूबर सिर्फ मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, वो आपको सिखा नहीं रहे। आप उनको कमेंट करके देख लेना, आपको कितने कमेंट आए होंगे, रिप्लाई आप मुझे कमेंट करके बताइए। और साथियों, मैं आपको बताऊं, अगर छोटे यूट्यूबर को आप लोग क्या है सपोर्ट नहीं करते हो, कोई भी छोटे यूट्यूबर का आपके पास वीडियो जाए तो आप लोग जो फेस है ना, इसको देखते हुए सपोर्ट नहीं करते हो। आप सोचते हो इसके फेस की तो कोई वैल्यू है नहीं देखना वीडियो। लेकिन गाइज, अगर आप छोटे यूट्यूबर से फेस को दे, क्योंकि छोटा ही बड़ा यूट्यूबर नहीं होता, नॉलेज महत्वपूर्ण होता है। छोटे यूट्यूबर का आप फेस देख के, थोपड़ा देख के, थंबनेल देख के उसमें एंटर ही नहीं होते, वो सोचा ये क्या ज्ञान देगा। और जबकि दोस्तों, मैं आपको सही बताऊं कि छोटे यूट्यूबर के चेहरे को देख के आप मत जाइए, आप छोटे यूट्यूबर का नॉलेज देखिए कि वो क्या सिखा रहा है, क्या सही बात बता रहा है, वो कोई यूट्यूब पे फालतू बात तो नहीं बता रहा। अगर छोटा यूट्यूबर वास्तव में अच्छी जानकारी देता है, अगर आप उसके वीडियो देखेंगे तो यार, अगर आप थोड़ा सा उस पर डाटा दे देंगे तो भाई क्या बिगड़ जाएगा। आप अगर उसका वीडियो 4 मिनट 5 मिनट का है, मुश्किल से आप इतने मैच देखते हो, दिन भर यूट्यूब पे टाइम देते हो, दिन भर कुछ भी देखते हो, अगर आपके पास किसी छोटे यूट्यूबर का वीडियो चला गया ना, तो आपको सिर्फ वीडियो देखने से आपका कोई डाटा नहीं जा, कितना आजकल को 5G फ्री चल रहा है, वाईफाई भी आपके पास फ्री है, अगर आप उसका 5 मिनट का वीडियो चला भी देंगे ना, तो आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, और आपको नॉलेज ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि YouTube उन्हीं को वो वीडियो भेजता है जिसको आप ढूंढते हो, जिसको आप देखते हो। तो आपके पास वही वीडियो गया जिसको आप देखना चाह रहे थे, तो भाई वो छोटा है या बड़ा है उसको देख लो यार, क्या आता है। तो मेरा वीडियो भी आपके पास आया तो आप प्लीज़ पूरा देख लेना, क्योंकि हर इंसान मेहनत कर रहा है यार, हर इंसान वो है जो मेहनत से आगे बढ़ रहा है। कोई ऐसा नहीं, आप कोई जैसे गरीब होता है, आप गरीब का तो सपोर्ट कर करके उसको आगे बढ़ा देते हो, चलो अच्छी बात है बढ़ा देते हो, गरीब को सपोर्ट कर देते हो, लेकिन आप अगर, और फिर अगर वो गरीब पलट के नहीं देखे तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन अगर आप जो छोटा यूट्यूबर मेहनत करने की चीज़ें बता रहा है, आपको कुछ ज्ञान दे रहा है, सिखा रहा है, दोस्तों मैं यूट्यूब की टिप्स देता हूँ, ऐसे ही नहीं दे देता। यूट्यूब की कोई भी गाइडलाइन आती है उसको मैं स्टडी करता हूँ, उसको पूरा बारीकी से अध्ययन करता हूँ, और आपको सही जानकारी मिले जब जाके मैं उत्तर देता हूँ। और साथियों, छोटे यूट्यूबर को आप कमेंट करके देख लेना, अगर आप छोटे यूट्यूबर को कमेंट करेंगे ना, तो 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, 1 घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए सब्सक्राइबर भगवान है। मेरे भी कोई कमेंट करता है ना, तो दिल से इतनी खुशी होती है जैसे किसी भगवान ने मैसेज कर दिया हो। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ 100% की उसकी समस्या जो भी है उसको सॉल्व करूँ, उसका मैसेज का पूरा रिप्लाई देता हूँ, पूरा सॉल्व करता हूँ। इसलिए मैंने टेलीग्राम की लिंक भी डाल रखी है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक तक मैंने डाल के रखी हुई है, जिससे भी कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट करें तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा, व्यू डाउन की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप क्या गलती कर रहे हैं, ये बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखते रहना। उसके बाद दोस्तों, हम क्या गलती करते हैं, बड़े यूट्यूबर को आपने कमेंट करें, कितने लोगों के कमेंट आ गए, आपके तो कमेंट भी हाइड हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके वो सेटिंग करके रखते हैं बड़े यूट्यूबर कि आप अगर उनके मेंबर हो तो ही आपका कमेंट उन्हें शो होगा, आप मेंबर नहीं हो तो आप जाओ, कोई काम के नहीं हो, और मतलब आपने उन्हें पैसे नहीं दे के रखे, आप उनके मेंबर नहीं हो तो आपका वीडियो पे, उनके वीडियो पे आपका कमेंट ही शो नहीं होगा। अब बताइए आप,
तो आप कहाँ से ग्रो कर पाएंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मेरी आपसे यही विनती है कि छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप छोटे यूट्यूबर का सपोर्ट करेंगे तो वो आपको सही जानकारी इसलिए देगा क्योंकि वो पूरी ताकत लगा देगा अपने सब्सक्राइबर को संतुष्ट करने के लिए, जो बड़े यूट्यूबर नहीं करते हैं। साथियों, आप छोटे यूट्यूबर का करेंगे तो आपका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा, आप भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। अब मैं वो बात बताने वाला हूँ जिसके लिए मैंने कहा था, मैं आखिरी में वो वेतन बताऊँगा। दोस्तों, व्यू डाउन की प्रॉब्लम सभी के साथ चल रही है, तो आप उससे मत घबराओ। आप क्या क्या गलती करते हैं व्यू बढ़ाने का, ऐसा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप थंबनेल अच्छा बनाइए, सबको पता आपके होंगे, क्या नई बात है। लेकिन दोस्तों, आप एक ही कैटेगरी पर काम करिए, लोग कैटेगरी बदल बदल देते हैं। अब क्या करते हैं लोग, लॉन्ग अलग कैटेगरी का बना रहे हैं, शॉर्ट अलग कैटेगरी का बना रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप दोनों बनाइए और एक ही कैटेगरी के बनाइए। ग्रीन स्क्रीन भी बनाइए लेकिन उसी कैटेगरी का बनाइए जिसका आपका चैनल है। जो भी बनाना चाहते हो, कॉल ऐप, ग्लैन स्क्रीन, सभी एक ही कैटेगरी पर काम करिए। और आपके व्यू डाउन आ भी रहे हैं तो भी आप उसी कैटेगरी पर लॉन्ग वीडियो भी डालते जाइए। और आप लोगों के कमेंट का उत्तर तो देते हैं, नहीं देते तो देना शुरू कर दीजिए, उनकी सॉल्यूशन का उत्तर देना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप, और आप जो भी वीडियो डालना है, मैं आपको बताऊँ, 8 मिनट का अगर वीडियो है, अब आदमी 8 मिनट का वीडियो का 3.5 से 4 मिनट तक पूरा देख लेता है, 8 मिनट का वीडियो, तो YouTube उनको आगे भेजता है, तो इसलिए YouTube का वीडियो चलता है। तो जी, अगर YouTube ने 10 लोगों को भेजा, 10 में से 8 ने या 5 ने या 4 ने भी आपका वीडियो 8 मिनट का है और 4 मिनट 3.5 मिनट का देख लिया, तो आपका वीडियो चलने लगता है। तो बस आप लोग शुरू में क्रीम ऐसी डालने की कोशिश करिए कि यार भाई वो टिके, बंदा उस वीडियो पे टिक जाए जिससे आपका वीडियो वायरल हो जाए, और मतलब वो हटे ना उसकी निगाह, ऐसी कुछ चीज़ सिखा दीजिए। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई, एक तो आप एक ही कैटेगरी पे वीडियो बनाइए, शॉर्ट और लॉन्ग बना रहे हैं तो भी आप एक ही कैटेगरी पे बनाइए, और शुरू के 3 मिनट, शुरू के 2 मिनट, मतलब आधे से थोड़ा कम आप वीडियो है जितना, उससे थोड़ा कम आदमी को टिकाने की पूरी कोशिश कीजिए। थंबनेल अच्छा बनाइए और आप अपना जो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डालते हैं उस पर काम करते जाइए, अच्छा डालते जाइए। वीडियो वायरल होने से आपका कोई नहीं रोकेगा। और भाई, आप मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं बताइए, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, तो यार आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। लेकिन आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप टैग की वीडियो देखना है तो ही मुझे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।